ये वही रविंद्र सिंह भाटी है जिन्हें कभी आपने पुलिस की लाठियां खाते देखा होगा, छात्र राजनीति में संघर्ष करते देखा होगा, और ये वही रविंद्र सिंह भाटी है जो आज विधायक है। और विधायक भी कोई ऐसे वैसे नहीं, बल्कि कांग्रेस के हेवीवेट नेता अमीन खान को हराकर विधायक बने हैं। और जिन्होंने राजस्थान में सचिन पायलट का जलवा देखा है, वो आज रविंद्र सिंह भाटी का भौकाल देख लीजिए। बाड़मेर के शिव विधानसभा से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी इन दिनों यात्रा कर रहे हैं, और यात्रा भी ऐसी कि बाड़मेर का कोना कोना नाप रहे हैं। जहां आमतौर पर जीतने के बाद नेताजी कभी देखने तक नहीं आते, वहीं रविंद्र सिंह भाटी ऐसे ऐसे गांव ढानियों में जा रहे हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, जिन जगहों पर जाना तो दूर किसी ने न देखा होगा और न जाने की सोचेगा, जहां पर आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी इन दिनों बॉर्डर के आखिरी गांव और आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने इसकी शुरुआत बाड़मेर में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित पहले गांव सुंदरा से की। भाटी ने पहले ही दिन करीब एक दर्जन गांव और ढानियों को नाप लिया। वह घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की, उनका हाल चाल जाना। इस दौरान गांव के लोगों ने भी भाटी का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया, यहाँ तक कि उन पर बुलडोजर से फूल बरसाए। लोगों ने बताया कि किस तरीके से आजादी के इतने बरस बाद भी उन्हें पानी, बिजली, सड़क और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। ये सुनते ही भाटी ने अधिकारियों को फोन लगाया और कुछ समस्याओं का समाधान तो मौके पर ही कर दिया, वहीं बाकी समस्याओं के भी जल्द समाधान का आश्वासन दिया। बहरहाल सबसे बड़ी बात तो ये है कि रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा चुनाव के दौरान ग्रामीणों से वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद वो बाड़मेर के एक एक गांव और ढानी में जाएंगे, सीधा लोगों से मिलेंगे और ऑन द स्पॉट उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। अब लगता है भाटी अपने लोगों से किया अपना यही वादा पूरा करने में जुटे हैं, और पब्लिक को भी भला अपने विधायक से इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बाड़मेर से दिनेश बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।